सो हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली हाईवे इंजीनियरिंग का और सिविल 3D का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज इंटरसेक्शन, कैसे आपको डिजाइन करना है विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। जो इंटरसेक्शन हम यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं वो बेसिकली IRC कोड्स के बिहाफ पे कि जो विड्थ आपको वहाँ पे लेके चलना है, जो कैरिज में वहाँ पे बनेगा ड्यूरिंग द इंटरसेक्शन, उसकी विड्थ आपको किस तरीके से डिफाइन करनी है, वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका किस तरीके से ध्यान रखना है। बेसिकली यहाँ पे दो तरीके के जो अलाइनमेंट है वो जनरेट होंगे, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। तो दोनों ही रोड पे किस तरीके से आपको क्राउन सेक्शन वहाँ पे डिफाइन करना है, जिनके मल्टीपल सेक्शन व्यूज प्लस प्रोफाइल्स आपको किस तरीके से क्रिएट करनी है, और सेक्शन क्रिएट करने के बाद तब आप कर्व्स वहाँ पे क्रिएट करोगे, ऑफसेट का रिटर्न्स आपको कैसे डिफाइन करना है, जो कर्व बाउंड्री आपको डिफाइन करना है, फर्स्ट इज द मोमेंट ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी रोड। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। कंप्लीट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे वर्क करना है, सबसे पहले पॉइंट्स को हमें लेके आना है, देन उनका ग्रुप्स क्रिएट करना है, सरफेस क्रिएशन हमें करना है, प्रोफाइल्स हमें वहाँ पे जनरेट करनी है, अलाइनमेंट्स वहाँ पे बनाने हैं, लास्ट सबसे लास्ट में आपको इंटरसेक्शन कैसे डिजाइन करना है विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा अगर आप सिविल 3D कोर्स को इन डिटेल और प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट की, तब आप साइट पर जाते हो तो कैसे वर्क होता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हम किस तरीके से करते हैं, जो डेटा आप लोग फीड करते हो इंस्ट्रूमेंट में उसको सिविल 3D में कैसे लेके आए, किस तरह की एक्सेल फाइल्स वहाँ पे जनरेट होती हैं, फाइल्स का यूज क्या होता है, पॉइंट्स को मैनेज आपको कैसे करना है, नोटेशंस आपको कैसे डिफाइन करने हैं, डिस्क्रिप्शंस किस तरीके से मेंशन करना है, गूगल अर्थ प्लस ग्लोबल मैपर का यूज़ करने के बाद कंप्लीट प्रोजेक्ट यानी कि विदाउट एनी एरर आपको किस तरीके से वर्क करना है, प्लस कैनाल आपको कैसे डिज़ाइन करना है, मीन्स जो चैनल सेक्शन हम लोग डिज़ाइन करते हैं ड्रेनेज पर्पस के लिए, पाइप नेटवर्क्स का यूज़ आपको कैसे करना है, अलाइनमेंट का वर्क आपको कैसे करना है, और कंप्लीट सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन प्लस सर्वेइंग। तो पूरा पैकेज सिविल 3D में आप लाइव सेशन में सीख सकते हैं बिल्कुल डिटेल में। जो भी वर्क यहाँ पे होगा वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होगा, प्लस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे जो भी यहाँ पे वर्क होंगे वो बेसिकली ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पे होने वाले हैं। जो भी अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हालांकि 2 से 3 प्रोजेक्ट जो कि अभी भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर हैं, ठीक है, लगभग 40 to 50 जो किलोमीटर्स हैं उनका सेक्शन, उनका स्ट्रेच आपको कैसे डिज़ाइन करना है, उनका कट फील आपको कैसे निकालना है, एलिवेशन पे वर्क आपको कैसे करना है, एग्जिस्टिंग और प्रपोज ग्राउंड आपके पास है तो उनके बिहाफ पे आप किस तरीके से कट फील निकालोगे, प्लस कॉरिडोर अगर आपने बनाया है तो कॉरिडोर और सरफेस का कैलकुलेशन आपको कैसे करना, अर्थवर्क का हो चाहे उसमें कट फील आपको दिखाना हो, रिपोर्ट्स वहाँ पे मेंशन करना हो, प्लस उनके प्रोफाइल्स ही हमें वहाँ पे क्यों ना शो करनी हो। तो ये सभी चीज़ें आप डिटेल में सीखने वाले हैं। जो क्लास की टाइमिंग्स हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, विद इन 1 आवर का सेशन आपके पास रहेगा, 45 सेशंस हम मिनिमम हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें सभी कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में विद द हेल्प ऑफ IRC कोड्स, लगभग 120 प्लस IRC कोड्स और फाइल्स के साथ हम यहाँ पे वर्क करने वाले हैं कंप्लीट हाईवे और सर्वेइंग इंजीनियरिंग में, और सभी टोपोग्राफिकल कंडीशंस का ध्यान रखते हुए सरफेस आपको कैसे क्रिएट करना है, जिसमें वाटरशेड का एनालिसिस आपको करना हो, एलिवेशन का एनालिसिस, स्लोप एरोज, ये सभी चीज़ें हम बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर द डिज़ाइन ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्टली वी हैव टू मेड ए सरफेस। ओके, अब जब हम सरफेस क्रिएशन करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, और अभी जो सबसे जो स्टार्टिंग मेथड होगा इंटरसेक्शन का, जैसे पॉइंट्स हमें कैसे लेके आने और पॉइंट्स इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे जो पैनल आपके पास आता है इंसर्ट सेलेक्शन करना पड़ेगा, देन थर्ड ऑप्शन हमारे पास होता है पॉइंट्स फ्रॉम फाइल। ओके, तब प्लस के आइकन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, जो पैनल आपका ओपन हुआ तब आप क्लिक करोगे तो देखो डिटेल आपके पास यहाँ पे गिवन है कि किन किन डेटा पे आपको वर्क करना। ओके, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होंगे हमारे पास, हो सकता है थियोडोलाइट का डेटा हो, या फिर टोटल स्टेशन का डेटा हो, लीडार का डेटा हो, ठीक है, या फिर हमने गूगल अर्थ से कुछ पॉइंट्स उठाए हुए तो आप उनका डेटा भी यहाँ पे ईजिली डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो जितने भी यहाँ पे फाइल्स हैं आप ईजिली चेक कर पा रहे हो, जितने भी पॉइंट्स हैं हम इनमें कोई भी एक फाइल सेलेक्शन करेंगे, लेकिन उसका तरीका ठीक होना चाहिए, जो फॉर्मेशन लेके आने का कि सबसे पहले उसमें पॉइंट्स की नोटेशंस होनी चाहिए, देन नॉर्थिंग का वैल्यू होना चाहिए, ईस्टिंग का वैल्यू होना चाहिए, देन एलिवेशन आपको वहाँ पे डिफाइन करना होगा, और कंप्लीट उसका डिस्क्रिप्शन। ओके, तो फाइल किस तरीके की होगी उसको देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे थियोडोलाइट डेटा को सिलेक्शन किया, ओपन पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मेट आपका ठीक रहेगा पॉइंट्स का तो यहाँ पे राइट टिक आएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको एक क्रॉस का सिंबल मिलेगा, ठीक है, यानी कि पॉइंट्स में किसी ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, हो सकता है फॉर्मेशन में, या फिर जो उनका
वेरिएशन होगा, उनमें किसी ना किसी तरह का चेंजेस होगा। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे तो यहाँ पे आपके पास एक क्रॉस सिंबल जनरेट होगा, ठीक। हम फाइल को आगे इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप फाइल को लेके आते हो, तो लेके आने के बाद हमें यहाँ से फिल्टरिंग को ऑन करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो फिल्टरिंग अभी मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, PNZD स्पेस डिलिमिटेड को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, तो आप चेक कर सकते हो पॉइंट का फॉर्मेशन मेरे पास कैसा है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे नंबर है, ईस्टिंग का वैल्यू है, नॉर्थिंग है, देन उनका एलिवेशन गिवन है, तो एलिवेशन अलग अलग है, ठीक। ऐसे इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको यहाँ पे शो होगा, ओके। अब इतना सब करने के बाद आप यहाँ पे ओके करोगे तो देखो एक नोटिफिकेशन आता है आपके पास, AEC इम्पोर्ट पॉइंट्स, राइट। आपके जो पॉइंट्स हैं वो अभी इम्पोर्ट हो रहे हैं। ये पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप लेके चलते हो, ठीक है। तो अभी जो हम फाइल लेके आ रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट्स हमने सिलेक्शन किए हैं अप्रोक्स 1000 पॉइंट्स पे भी हमें यहाँ पे वर्क करना है, ओके। तो पॉइंट आपके इम्पोर्ट हो चुके और उनको हाईलाइट और विजुअलाइज करने के लिए सिंपल हमें करना है जेड एंटर, एक्सटेंड एंटर हमें यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। तो आप जेड एंटर ही एंटर करते हो तो देखो पॉइंट्स की जो फॉर्मेशन है वो आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। पॉइंट आपको यहाँ पे शो हो चुके। अभी जैसे मान लो कि मैं नहीं चाहता कि इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हमें वर्क करना हो, ठीक है। इंटरसेक्शन बनाना है तो जाहिर सी बात है इंटरसेक्शन आप विद इन 1000 मीटर्स या फिर 1 किलोमीटर के एरिया में आप इजिली डिफाइन कर सकते हो, ओके। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल एक शॉर्ट एरिया डिफाइन करता हूँ इसका, और उसी के बेसिस पे मुझे यहाँ पे इंटरसेक्शन को क्रिएट करना है। तो जिसमें से कुछ पॉइंट्स जो है मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किए, आप इनको डिलीट कर दो कि हमें यहाँ पे सिर्फ कुछ मिनिमम पॉइंट्स पे ही वर्क करना है, राइट। तो यहाँ से मैं पॉइंट्स को सिलेक्शन करता हूँ और इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिलीट किया, तो आपके पास जो डेटा है कंप्लीट कुछ इस तरीके का यहाँ पे गिवन होगा। अब जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे लेके आए उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा कि इनका ग्रुप हमें किस तरीके से मेंशन करना है। द मेन पर्पस ऑफ द ग्रुप इज जस्ट फॉर क्रिएटिंग द राइट फॉर्मेशन ऑफ कंटूर्स रिगार्डिंग सरफेस, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट ग्रुप पे हमें सिलेक्शन करना है, राइट क्लिक मैंने किया, न्यू के पैनल पे आते हैं, यहाँ पे ग्रुप आपको जो भी मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया एग्जिस्टिंग ग्रुप, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, राइट। एग्जिस्टिंग ग्रुप मैंने रखा, जो पॉइंट की स्टाइल है वो मुझे बेसिक लेके चलनी है, और लेबल स्टाइल में मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन का उसका लेबलिंग यहाँ पे गिवन हो। एलिवेशन को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। नाउ पॉइंट ग्रुप में हम आते हैं और जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपको यहाँ पे ऑल पॉइंट्स पे क्लिक करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि हर एक पॉइंट का एलिवेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। तब आप कर्सर लेके जाओगे ना तो इसके अलावा और भी काफ़ी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। इनका नंबर गिवन है 1536 है, लेयर यहाँ पे गिवन है, ईस्टिंग का वैल्यू है, नॉर्थिंग का वैल्यू है, प्लस उसका एलिवेशन भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ओके। अब ग्रुप में तो हमने कन्वर्ट किया, नाउ द मेन कॉन्सेप्ट इज हाउ टू जनरेट द सरफेस ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। विद द मेन कॉन्सेप्ट इज फॉर जनरेटिंग द कंटूर्स इन ए राइट मैनर और राइट फॉर्मेशन, ओके। तो सरफेस को आप सिलेक्शन करते हो, राइट क्लिक आपने किया, क्रिएट सरफेस पे आपको सिलेक्शन करना होता है, और जो सरफेस आप यहाँ पे क्रिएट करोगे उसका नेम हमें यहाँ पे मेंशन करना है, राइट। तो एग्जिस्टिंग ग्रुप मैंने बनाया था, ठीक, ऐसे ही मैं जो सरफेस यहाँ पे बनाने वाला हूँ उसका नेम मैंने यहाँ पे रखा एग्जिस्टिंग सरफेस, ठीक है। क्योंकि फाइल मेरे पास पहले से है, इंस्ट्रूमेंट से डेटा मैंने उठाया, फाइल को मैंने लेके आया यहाँ पे, तो एग्जिस्टिंग सरफेस यहाँ पे क्रिएट होगा, और इस सरफेस के ऊपर तब आप कोई सरफेस बनाओगे तो वो हमारे किस कैटेगरी में आएगा, प्रपोज सरफेस में, राइट। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग सरफेस को मैंने सिलेक्शन किया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, और ओके करने के बाद अब आप प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो देखो आपका सरफेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका, लेकिन अभी कंटूर्स नहीं बने हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो जितने भी ग्रुप्स हमने बनाए थे, अभी सिंगल ग्रुप हमने बनाया है और उस ग्रुप को हमें यहाँ से ऐड कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट आपने किया डेफिनेशन, देन पॉइंट ग्रुप, राइट क्लिक आपको करना है, ऐड के पैनल पे आप क्लिक करते हो, जो एग्जिस्टिंग ग्रुप मैंने बनाया था उसको सिलेक्शन करना है, ऑल पॉइंट्स को नहीं करना, ठीक है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। ओके पे तब आप क्लिक करते हो तो आप नोटिस करोगे कि देखो यहाँ पे कंटूर की फॉर्मेशन हो चुकी, लेकिन आप नोटिस करो यहाँ पे कुछ कंटूर्स तो यहाँ पे काफ़ी नज़दीक बने हुए हैं, फॉर्मेशन आपने देखा, कुछ कंटूर्स यहाँ पे काफ़ी दूर हैं। तो हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे जो कंटूर्स जनरेट किए तो हमने उनका इंटरवल चेंज किया हुआ है, ठीक है। तब आप नोटिस करोगे, फॉर एग्जांपल अगर चेक करना चाहते हो तो सरफेस को सिलेक्शन करना है, तो सरफेस से रिलेटेड अब आप सरफेस में जो भी चेंजेस करना चाहते हो उससे रिलेटेड कंप्लीट पैनल यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। मान लो मुझे इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज करना है, तो सरफेस प्रॉपर्टीज़ पे मैंने क्लिक किया और मान लो मुझे इसकी
जो भी एंटायर प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल सरफेस का स्टाइल, स्टाइल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कंटूर बने 1 मीटर और 5 मीटर के इंटरवल पे। अप्लाई मैंने किया, ओके आप करो तो देखो आपका जो इंटरवल है वो चेंज हो गया, यानी कि कंटूर्स की फॉर्मेशन काफ़ी नज़दीक यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स थी, जैसे 1 मीटर गिवन था आपके पास, 5 मीटर था, तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है आपका, जितना माइनर होगा उसके जो डबल आप लेके चलोगे 5 टाइम्स उसका आपको मिलेगा मेजर कंटूर। ओके, तो यहाँ पे माइनर कंटूर भी गिवन है सरफेस में, मेजर कंटूर भी गिवन है। अगर आप इस सरफेस को 3D में देखना चाहते हो तो जिस तरह का आप गूगल अर्थ पे अपनी इमेजेस चेक करते हो सरफेस का, ठीक वैसा ही सरफेस आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, अब सरफेस हमने बनाया, नाउ द मेन वर्क इज टू हाउ टू क्रिएट एयर इंटरसेक्शन। अब जो हम इंटरसेक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो IRC के कोड्स के बिहाफ पे होगा, और इंटरसेक्शन क्रिएट करने से पहले हमें यहाँ पे उनका अलाइनमेंट भी क्रिएट करना होगा। ओके, तो अलाइनमेंट बनाने के 2 तरीके हैं, तब आप लाइव सेशन में देखोगे तो वहाँ पे हमने पॉलीलाइन के हेल्प से भी किस तरीके से जनरेट करना है वो भी आप वहाँ पे सीख सकते हो। इसके अलावा अगर पॉलीलाइन का यूज़ ना करते हो और डायरेक्ट आप असेंबली पे आते हो, डायरेक्ट अलाइनमेंट आप क्रिएट करते हो, तो उसके बिहाफ पे भी हम इजीली यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट। तो जैसे मैंने अलाइनमेंट को सिलेक्शन किया, फर्स्ट मेरे पास ऑप्शन आता है अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स, और यहाँ पे अलाइनमेंट का नेम मुझे यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। तो जो अलाइनमेंट है, मान लीजिए मैंने इसका रखा कि ये मेरे पास कोई वेस्टर्न मार्ग है, ओके, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वेस्टर्न मार्ग, राइट। साइट मैंने अभी बनाया नहीं है, तो आप यहाँ पे नन पे क्लिक करोगे, टाइप मेरा सेंटर लाइन होगा, क्योंकि हम पहले सेंटर लाइन बनाते हैं। जब सर्वे होता है किसी भी हाईवे का, रोड का, जो हम हाईवे डिज़ाइन करते हैं, तो सबसे पहले उसमें सेंटर लाइन हमारी क्रिएट होती है, देन उसके बाद हम वहाँ पे ऑफसेट मेंशन करते हैं, उसकी विड्थ मेंशन करते हैं। ओके, तो सेंटर लाइन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, साइट में अभी मैंने जनरेट नहीं किया, तो नन पे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। द मेन कॉन्सेप्ट इज डिज़ाइन क्राइटेरिया। जो डिज़ाइन क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है कि अभी जो अलाइनमेंट आप बनाओगे अगर वो 100 किलोमीटर पर आवर का आप लेके चलते हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास नेशनल हाईवे है और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है यानी कि रूलिंग स्पीड है कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 80 लेके चलते हो तो IRC के अकॉर्डिंग 80 तो नेशनल हाईवे के लिए मिनिमम होगी, लेकिन स्टेट हाईवे के लिए मैक्सिमम होगी वो, ठीक है। तो जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे एक नेशनल हाईवे लेके चलता हूँ जिसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, रूलिंग स्पीड है, आपने इसको सिलेक्शन करके जनरल पे आना है, और यहाँ पे अलाइनमेंट का स्टाइल किस तरीके से मेंशन करोगे, ठीक है, प्रपोज मुझे रखना है, देन लेबल स्टाइल में कि तब आप अलाइनमेंट क्रिएट करोगे तो उसके हर एक लेबल्स आपको यहाँ पे शो हो, राइट। तो मैंने इसको किया ओके, ओके करोगे तो फिर से आपके पास पैनल आएगा जिसमें हमें डिफाइन करना है कि जो अलाइनमेंट आप क्रिएट करोगे वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेके चलना है या फिर उसमें किसी तरह की कर्व की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे डिफाइन करता हूँ विद कर्व्स, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आपको शो करना होगा जो भी आप अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट करोगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे अलाइनमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है, किसी भी एक रैंडम लोकेशन से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और फॉर इंटरसेक्शन मुझे यहाँ पे एक और पॉइंट जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप चेक कर सकते हो, जैसे जैसे आप स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट पे आओगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ टर्म्स गिवन होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसको हल्का सा ऊपर लें, जो सेकंड पॉइंट मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, नाउ अब मुझे कर्व यहाँ पे जनरेट करना है, ठीक है। तो कर्व के लिए मैंने सबसे एंडिंग पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, मेंशन आप कर दोगे तो देखो कर्व से रिलेटेड कुछ नोटेशंस यहाँ पे डिफाइन होगी, जैसे कर्व का ट्रांजिशन कर्व कहाँ पे होगी, सर्कुलर कर्व आपको कहाँ डिफाइन करना है, ठीक है, जो स्ट्रेट जो कर्व यहाँ पे जनरेट होगा वो आपको कहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। तब आप एंटर प्रेस करते हो तो देखो इसके नोटेशन सभी आपको यहाँ पे शो होंगी। तो हमारा जो अलाइनमेंट था ये एक पहला अलाइनमेंट बना, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए तो हमारे पास 2 अलाइनमेंट होने चाहिए। तब आप इसको जूम करोगे ना तो यहाँ पे गिवन है जो अलाइनमेंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, आप इसको प्लस के आइकन पे क्लिक करो, जो नोटेशन है इसको मैं हल्का सा कुछ यहाँ पे लेके आता हूँ। तो आप चेक कर सकते हो कि जो स्ट्रेच मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है ओनली 800 meters.95, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये तो एक था मेरा, अब आप कर्व के ऊपर आते हो तो कर्व के ऊपर देखो यहाँ पे टर्म्स गिवन है ना, जो मिड पॉइंट है कर्व का वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। PC है पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और PT यहाँ पे गिवन है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये बेसिकली टर्म्स हैं आपके कर्व से रिगार्डिंग, ठीक है। तो एक अलाइनमेंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक, ऐसे ही मान लीजिए मुझे एक सेकेंड अलाइनमेंट यहाँ पे जनरेट करना है, ठीक है। तो सेकेंड अलाइनमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने इसको क्या क्रॉस करने के बाद आप आते हो यहाँ पे अलाइनमेंट, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स। तो वो मेरा वेस्टर्न मार्क था जो कि वेस्ट से ईस्ट में था, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक नॉर्थ कॉरिडोर मुझे यहाँ पे डिज़ाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया नॉर्थ कॉरिडोर, में इसका नेम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अलाइनमेंट का।
अभी क्या है कि जो नॉर्थ कॉरिडोर मेरा बनेगा वो मैं चाहता हूँ कि मेरा 80 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पे डिफाइन हो, ठीक है। मैंने उसका यहाँ पे एक मैक्सिमम स्पीड डिफाइन किया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके पे करने के बाद मुझे ये भी चाहता हूँ कि मैं कैसा बने, कर्व में यहाँ पे जनरेट हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्शन करना है और इंटरसेक्शन के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो भी चेनेज आपके पास यहाँ पे बने हैं, जैसे चेनेज आपको दिख रहे हैं ना, 0+360 है, 0+380 है, 0+440 है, तो यहाँ से कोई भी एक चेनेज हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे वर्क करना है 540 से, और 540 से होते हुए मुझे यहाँ पे एक इंटरसेक्शन क्रिएट करना है जिसका सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया और ये मेरा एक थर्ड पॉइंट मैंने इसको यहाँ पे फिनिश किया। ओके, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन एंटर। एंटर आप प्रेस करोगे तो जो सेकंड अलाइनमेंट आपने बनाया, जो सेकंड कॉरिडोर मैंने यहाँ पे जनरेट किया था, नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर या फिर नॉर्दर्न कॉरिडोर के नाम से, ठीक है, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये जो कॉरिडोर मैंने यहाँ पे जनरेट किया है, अगर आप इसके स्ट्रेच देखेंगे कि टोटल इसका कितना लेंथ है, तो 0+447.72, ओके, यानी कि 447.72 मीटर का यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अभी देखो जो कर्व हमने यहाँ पे बनाई थी उसकी भी डिटेल्स हैं, मिड पॉइंट यहाँ पे गिवन है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे गिवन है, कन्वर्जेंस का ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है, जो कि 158 पे बना हुआ है। अब जो मेरा इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो कुछ यहाँ पे होगा, तो इसमें देखोगे आप डिज़ाइन स्पीड गिवन है, तो पहले तो मैं इस डिज़ाइन स्पीड को थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, ताकि जो डेटा हमारे पास यहाँ पे जनरेट होगा अभी इंटरसेक्शन का वो आपको ईजीली यहाँ पे शो, ठीक है। सो 0+000 का चेनेज है, आप उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। ओके, सो फॉर इंटरसेक्शन वी हैव टू क्लिक हियर। इंटरसेक्शन पे आपको सिलेक्शन करना है और पहला जो ऑप्शन आपके पास आता है क्रिएट इंटरसेक्शन, ठीक है, यूजिंग द इंटरसेक्शन विजार्ड। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि इंटरसेक्शन का पॉइंट हमें यहाँ पे डिफाइन करना है, तो आपने यहाँ पे पॉइंट जैसे ही आप डिफाइन करोगे आपके पास एक पैनल आया जिसमें कुछ टर्म्स यहाँ पे गिवन है। अब जो ये हम इंटरसेक्शन डिज़ाइन करेंगे ना, ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स हमें इसमें चेक करना है कि मान लो रोड बनेगा तो एक प्राइमरी रोड आपके पास यहाँ पे होगा, एक सेकेंडरी रोड आपके पास यहाँ पे होगा, ठीक है। जो पहला रोड था हमने वेस्टर्न बनाया वो तो हमारा प्राइमरी हो गया, और जो नॉर्दर्न हमने बनाया था कर वो हमारा कैसा होगा, सेकेंडरी होगा। तो प्राइमरी से सेकेंडरी पे तब व्हीकल जाएगा, तो कल को उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब किसी तरह का कोई व्हीकल डैमेज, कुछ एक्सीडेंट्स ना हो, तो इन सब के लिए हमारे पास क्या होता है, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो IRC ने टर्म्स यहाँ पे डिफाइन की हुई है, कुछ जो इम्प्लीमेंट्स उनके हैं उनके बिहाफ पे हमें वर्क करना पड़ेगा। ओके, अब इम्प्लीमेंट्स वगैरह देखना चाहते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स की स्टडी अगर करनी है, तो जो ऐप है ऐप के ऊपर पिक्चर जो PDF है वो गिवन है, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। वेट अ मिनट, यू हैव टू गो ऑन कंटेंट्स, और कंटेंट्स में देखो यहाँ पे आपको शो होगा अभी प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स, आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स उसका चेक कर सकते हो। ओके, ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे मैंने क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे कंप्लीट उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इंटरसेक्शन बनता है तो बेसिकली क्यों यूज़ होता है, उसका कंट्रोल किस तरीके से है, कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आपको चेक करने हैं तो देखो यहाँ पे आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हो। ओके, जो ट्रैफिक सिग्नल होगा उसमें किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, अगर ट्रैफिक के थ्रू चलते हो तो 4 कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होंगे, राइट टर्न में भी 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, ये बेसिकली एक्सीडेंटल डैमेजेस के लिए यहाँ पे गिवन है। तो टोटल तब आप इंटरसेक्शन बनाते हो ना, तो उसमें बेसिकली 32 कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे होंगे। ओके, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स आर जनरली क्रिएटेड बाय पेडेस्ट्रियन, विल बी 8 टेकिंग इनटू अकाउंट। ओके, 4 अप्रोचेज होंगे तो हमें 8 वहाँ पे अकाउंट टेकन करने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हर एक पेडेस्ट्रियन है उसका डिजाइनिंग यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। ओके, पैसिव कंट्रोल आपको कैसे करना है, सेमी कंट्रोल का यहाँ पे गिवन, अगर 3 लेग इंटरसेक्शन आप बनाना चाहते हो तो उसमें चैनलाइज ट्रैफिक का कैसे होगा, ठीक है। तो अभी हम जनरेट कर रहे हैं वो बेसिकली कैसा है, 3 लेग इंटरसेक्शन है जिसमें ट्रैफिक आपका तीनों तरफ से आएगा, 2-way 2-lane कंसीडर आप करते हो, ठीक है। 3 लेग इंटरसेक्शन में बेसिकली क्या होगा, आपका जो चैनलाइज आइलैंड होगा उसमें पेडेस्ट्रियंस आपके पास होंगे, पेडेस्ट्रियन को क्रॉसिंग आपको करना पड़ेगा, मार्किंग्स वहाँ पे जनरेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो वहाँ पे एरिया आपको मिलेगा ना, बेसिकली एक लेस टेंडेंसी आपको वहाँ पे मिलेगी टू रिड्यूस द स्पीड, ओके, ऑफ योर व्हीकल। अगर 4 लेग इंटरसेक्शन लेके चलते हो तो वो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इसमें हर एक कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में गिवन है, ठीक है, कितने वहाँ पे एडवांटेजेस हैं उसके, ट्रैफिक ऑपरेशंस आपको कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें व्हीकल्स के बिहाफ पे। अब अगर आप मान लो इसका एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन और फॉर्मूले देखना चाहते हो तो किस बिहाफ पे ये डिज़ाइन होता है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। एक सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कंप्लीट एग्जांपल के साथ,
कि मान लो कुछ व्हीकल के नंबर्स हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आते हैं, तो किस फॉर्मेशन होगी, किस तरह का फॉर्मूला आप अप्लाई करके और एक इंटरसेक्शन आप यहाँ पे डिज़ाइन करोगे। ओके, तो ऐप के ऊपर ये जो पूरा पैनल है वो गिवन है। साइड डिस्टेंस अगर इसमें हमें चेक करना है तो उसके भी यहाँ पे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इंटरसेक्शन का नेम हमें डिफाइन करना है। तो मान लो जो इंटरसेक्शन हम बना रहे हैं उसका मैंने नेम रखा है इंटरसेक्शन एल, कैपिटल एल मैंने यहाँ पे मेंशन किया। मार्कर स्टाइल है वो मुझे बिल्कुल बेसिक लेके चलना है। इंटरसेक्शन लेवल स्टाइल भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ बेसिक। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि जो इंटरसेक्शन कॉरिडोर आप बनाओगे उसका टाइप कैसा लेके चलना है। तो यहाँ पे पूछा गया, देखो प्राइमरी रोड, क्राउन मेंटेन। अब प्राइमरी रोड आपका कौन सा होगा? जो मैंने स्टार्टिंग में वेस्टर्न मार्ग जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था। क्राउन का मतलब कि रोड में बीच में से तो स्लोप होगा लेकिन दोनों तरफ उसका स्लोप क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये बेसिकली हम ड्रेनेज सरफेस के लिए करते हैं कि मान लो कल को रोड के ऊपर अगर बारिश हुई या फिर फ्लडिंग का कंडीशन हुआ तो पानी रोड के बीच में ना रह के बह के दोनों तरफ आ जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपसे पूछा गया है कि जो क्राउन मेंटेन करोगे वो सिर्फ प्राइमरी पे रखना है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑल क्राउन्स मेंटेन हो। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रोड पे यहाँ पे क्राउन मेंटेन रहे। तो आप चेक कर सकते हो फिगर में जो यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू गिवन है उसमें सिलेक्शन हुआ। नाउ आई हैव टू सिलेक्शन ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आप आते हो तो देखो नॉर्थ कॉरिडोर यहाँ पे गिवन है, वेस्टर्न मार्ग गिवन है, दोनों का स्टेशंस गिवन है। तो प्रोफाइल तो अभी हमने जनरेट किया नहीं इनका, तो यहाँ पे आपको मिलेगा नन। अब हमें क्या करना है कि ऑफसेट और कर्व रिटर्न्स मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल कि व्हीकल आपका प्राइमरी से सेकेंडरी पे जाएगा तो उसको क्रॉस करने के लिए कितना एरिया उसको चाहिए, कितना कर्व आपको वहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, लेन की विड्थ वहाँ पे कितनी रखनी है, तो वो सारे ऑप्शन हमें डिफाइन करना है किसमें? ऑफसेट पैरामीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफसेट वैल्यू है बाय डिफॉल्ट गिवन है 3 मीटर, लेकिन मुझे IRC के बिहाफ पे कितना कंसिडर करना है इसको? 3.5 मीटर। अब आप चेक करोगे कि यहाँ पे जो रोड है वो आपका हाईलाइट हो चुका। ठीक है, ठीक ऐसे ये तो लेफ्ट हमारा था, प्राइमरी रोड के लेफ्ट साइड हो गई। अब मुझे जो राइट साइड है वो भी कितनी रखनी है? 3.5 मीटर की। ठीक है, जो कि आपका इंटरमीडिएट कैरेज वे होता है। ठीक है, ऐसे ये तो हमने किसका किया? प्राइमरी का। ठीक, ऐसे ही हमें किस पे वर्क करना है? सेकेंडरी का। तो सेकेंडरी भी मुझे कितना लेके चलना है? 3.5 मीटर का। अगर आप मेंशन करना चाहते हो 7.5 भी हम इसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीपल्स अगर आप लेन लेके चलते हो तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है 3.5। ठीक है, इतना मैंने सिलेक्शन किया। फिर आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू ऑफसेट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ सेंटर लाइंस। मीन्स कि जो इंटरसेक्शन जनरेट होगा वो तो कुछ मीटर्स में होगा, लेकिन जो विड्थ आपने यहाँ पे प्रोवाइड की है 3.5 मीटर, आप चाहते हो कि कंप्लीट चेंज पे रहे, कंप्लीट स्ट्रेच पे रहे, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है क्रिएट न्यू ऑफसेट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ सेंटर लाइन, इसको हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके आपने किया, तो ये तो हमने ऑफसेट यहाँ पे डिफाइन की है, मीन्स रोड की थिकनेस मैंने यहाँ पे डिफाइन की। ओके, विड्थ। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट योर कर्व रिटर्न पैरामीटर्स। अब कर्व रिटर्न पैरामीटर में देखो क्या होगा कि जो इनकमिंग रोड होगा एक आउटगोइंग रोड होगा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पे, तो दोनों को मुझे क्या करना है? वाइडन यहाँ पे करना है। तो जैसे आप यहाँ पे वाइडन पे क्लिक करोगे तो देखो जो टर्म्स है वो आपके पास यहाँ पे ओपन हुई। तो सबसे पहले मुझे वर्क करना है किस पे? नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट पे। राइट, सिलेक्शन आपने करते हो यहाँ पे, देखो वाइडनिंग डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, इंटरसेक्शन क्वाड्रेंट डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, क्वाड्रेंट एंगल है आपका 59.2205 का। ठीक है, रेडियस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 10 मीटर का है। अगर आपको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे रेडियस चाहिए यहाँ पे 15 मीटर का, राइट 15 मीटर का रखना है जो कि रेडियस यहाँ पे गिवन है। ओके, ठीक, ऐसे वाइडनिंग डिटेल्स ये तो किसके लिए थी आपकी? अब इनकमिंग लेन के लिए मुझे चेंज करनी है वाइडनिंग डिटेल्स। तो ट्रांजिशन का लेंथ यहाँ पे गिवन है जो कि आप चेक कर सकते हो 30 मीटर का है। एक कर्व आपका यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है 20 मीटर का लेके चलना है सेकंड कर्व, और फर्स्ट कर्व मुझे 10 का लेके चलना है। ऑफसेट वैल्यू जो है मैंने 3 मीटर का रखा, अगर आप चाहते हो इसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा 3.5। वाइडनिंग सेगमेंट लेंथ मुझे 30 मीटर का लेके चलना है जो कि कोड्स के अकॉर्डिंग ठीक है, इसमें कोई किसी तरह का चेंजेस नहीं करना। तो ये तो मेरे पास वाइडनिंग डिटेल्स थी इनकमिंग के लिए। ठीक, ऐसे ही मुझे यहाँ पे चेंजेस करना होगा किसके लिए? आउटगोइंग के लिए। तो आउटगोइंग के लिए भी मैंने जो वाइडनिंग डिटेल्स में ऑफसेट वैल्यू मैंने रखा यहाँ पे 3.5 मीटर। राइट, सिलेक्शन आपने किया, 30 मीटर का मुझे यहाँ पे सेगमेंट लेके चलना है। कर्व रेडियस आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है 10 मीटर है, तो मान लो मुझे यहाँ पे कितना, जैसे इनकमिंग का मैंने 50 किया था, ठीक है ऐसे आप आउटगोइंग का यहाँ पे करोगे 15। ठीक है, अब ये तो मेरा किसका हो गया? नॉर्थ ईस्ट का। ठीक, ऐसे मुझे चेंज करना है नॉर्थ वेस्ट में, इसके लिए भी मुझे वाइडन और इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट जो मेरा यहाँ पे चेंजेस था क्या था? कर्व रेडियस, जो कि मेरा कितना था यहाँ पे, जैसे रेडियस है आपका, इसको मुझे यहाँ पे डिफाइन करना था, मैंने इसको रखा 15।
और डिफ़ॉल्ट जो कर्व रेडियस है वो मुझे ठीक है 20 ही मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। ऑफसेट वैल्यू है 3 मीटर मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है, इसको मुझे रखना है 3.5, राइट मेंशन मैंने किया। ठीक ऐसे ही मेरे पास जो ट्रांजिशन लेंथ यहाँ पे है, कर्व रेडियस गिवन है, ट्रांजिशन लेंथ मेरा 30 का यहाँ पे रहेगा, ऑफसेट वैल्यू जो मेरा 3 मीटर है उसे मुझे डिफाइन करना है 3.5, राइट। अब मुझे क्या करना है, दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे चेंज की, नाउ यू हैव टू क्लिक हियर ऑन ओके। ओके आप करते हो तो देखो आपसे पूछा गया यहाँ पे ऑफसेट एंड कर्व रिटर्न प्रोफाइल, तो प्रोफाइल तो हमारे पास है ही नहीं ना, तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अभी सेलेक्ट नहीं होगा। अब मुझे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपसे पूछा जाता है यहाँ पे क्रिएट कॉरिडोर इन द इंटरसेक्शन एरिया। अगर आपको कॉरिडोर जनरेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, नहीं करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। ओके सरफेस आपके पास है यहाँ पे एग्जिस्टिंग सरफेस, ठीक है किस तरह की असेंबलीज यहाँ पे मेंशन होंगी वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। नाउ यू हैव टू क्लिक हियर ऑन क्रिएट इंटरसेक्शन, तो आप क्रिएट इंटरसेक्शन पे क्लिक करते हो तो देखो ये कुछ आपका इस तरीके का बनेगा। सिलेक्शन आपने किया, इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ठीक है इंटरसेक्शन बना हुआ है, एल मैंने नेम मेंशन किया था, अलाइनमेंट यहाँ पे है वेस्टर्न मार्ग है, स्टेशन उसका गिवन है, सेकंड अलाइनमेंट मेरा नॉर्थ कॉरिडोर का है, ठीक है। तो आप चेक करोगे कि यहाँ पे थिकनेस भी उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन हो चुकी है, कि व्हीकल यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में आता है तो जो कर्व है आपके पास कितना आपको रेडियस लेके चलना है, ठीक है। तो हर एक डिटेल्स आपको यहाँ पे गिवन है। अगर आप ये चेंजेस करना चाहते हो तो मैन्युअली आप डिफाइन कर सकते हो, ऑफसेट यहाँ पे गिवन है हर एक कर्व का, कि यहाँ से व्हीकल अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो उनके डिटेल्स भी आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये तो 3.5 आपकी विड्थ हो गई, जो रोड हमने बनाया था ये उसका सेंटर लाइन हो गया आपका रोड का, और ये 3.5 प्लस 3.5, ठीक है टोटल 7 मीटर की थिकनेस आपके पास हो गई यहाँ पे विड्थ हो गई रोड की, और ये आपके पास जो एरिया है इंटरसेक्शन का, कि व्हीकल अगर प्राइमरी से सेकेंडरी पे जाएगा तो आपके पास इतनी रेडियस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तब सेकेंडरी से प्राइमरी पे आएगा तो आपके पास जो इंटरसेक्शन है जो रेडियस है वो भी थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। ये डिफाइन करता है कि आपने इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से चेंज में डिफाइन किया है बेसिकली उसके लिए। ओके सो हर एक डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। अब मान लो यही कॉन्सेप्ट मुझे 3D में चेक करना है तो आप इसको इजीली 3D में देख सकते हो, ठीक है। 3D में अगर चेक करना है तो मुझे यहाँ पे कंप्लीट जो सरफेस है उसको चेंज करना पड़ेगा, देन यू हैव टू क्लिक ऑन विजुअल स्टाइल्स। यहाँ पे हमें वर्क करना है किसमें, कॉन्सेप्चुअल में या फिर शेडेड में या फिर रियलिस्टिक में, और यहाँ से हमें इसको 3D में चेंज करना है। ओके अब आप 3D में तब चेंज कर लोगे तो आपको कट फिल के बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर इनका प्रोफाइल्स लेके चलना है तो प्रोफाइल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन आपने किया यहाँ पे प्रोफाइल, मुझे एक सरफेस प्रोफाइल यहाँ पे बनाना है, एग्जिस्टिंग सरफेस मेरे पास यहाँ पे गिवन में, मैं चाहता हूँ पहले मेरे पास बने यहाँ पे वेस्टर्न मार्क का, ऐड मैंने किया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ड्राइंग प्रोफाइल व्यू, ओके पैनल आपके पास आता है, मुझे यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट प्रोफाइल करना है, ठीक है। तो वेस्टर्न मार्क के अकॉर्डिंग आपके पास डिटेल ये गिवन है, ठीक। ऐसे ही मान लो मुझे एक और यहाँ पे प्रोफाइल जनरेट करना है जो कि मेरा किसका होगा, नॉर्दर्न कॉरिडोर का, ठीक है नॉर्थ कॉरिडोर यहाँ पे गिवन है, इसको मैंने ऐड किया ड्रॉइंग प्रोफाइल व्यू। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट प्रोफाइल व्यू, इसको मैंने यहाँ पे जनरेट किया, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्थ कॉरिडोर का हो गया, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको इंटरसेक्शन का जनरेट करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट सरफेस प्रोफाइल पे करेंगे। अब आपसे पूछा गया कि अलाइनमेंट आपको कौन सा लेना है, ठीक है। तो मान लो मुझे यहाँ पे रखना है अलाइनमेंट इंटरसेक्शन का, मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। सिलेक्शन मैंने किया, ऐड आप करते हो, ड्रॉइंग प्रोफाइल व्यू पे मैंने क्लिक किया, क्रिएट प्रोफाइल व्यू लेके आते हैं और इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। तो जो इंटरसेक्शन बनेगा उसके कुछ ये डिटेल्स आपके पास होंगे, ठीक है। अभी जैसे प्रोफाइल में देखो आपके पास किस तरह की डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्शन हेयर एलिवेशंस, कि जो आपका रोड है वो कौन से एलिवेशन से स्टार्ट हुआ वो आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और एक हर एक चेनेज की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है। 0+0 = 40, यानी कि 40 मीटर पे कितना एलिवेशन होगा, 60 मीटर पे कितना एलिवेशन है, 100 पे कितना है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। अगर आप इन्हीं के बिहाफ पे कटफिल निकालना चाहते हो, कटफिल का ग्राफ अगर आपको बनाना है तो आप इजीली बना सकते हो। और आप चाहो कि हमें सुपर इम्पोज प्रोफाइल क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे प्रोफाइल पे आओ, एक ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पे सुपर इम्पोज, तो आपसे पूछा जाएगा कि सोर्स प्रोफाइल आपका कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, डेस्टिनेशन मेरा यहाँ पे हो गया ये वाला प्रोफाइल, ठीक है। सिलेक्शन मैंने किया, ओके एक्यूरेसी आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे देखो नॉर्थ और जो आपका वेस्टर्न मार्ग है दोनों के कंपैरिजन में आपके पास सुपर इम्पोज प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है। अब अगर इनका कटफिल चेक करना है, ग्रिड्स पे आपको वर्क करना है तो आप इजिली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल ग्रिड्स में मान लो मुझे वर्क करना है तो सिलेक्शन मैंने किया, प्रोफाइल की प्रॉपर्टीज़ में आप आते हो, एडिट प्रोफाइल स्टाइल मैंने यहाँ पे चेंज किया, ठीक है। जैसे मान लो
मुझे कौन इन प्रोफाइल्स में चेंज करना है, ठीक है। सिलेक्शन आपने किया, यू हैव टू क्लिक ऑन एंटर हियर। डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करना है, मार्कर्स में कुछ चेंजेस करना है तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक मैं करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़। इस प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में मान लो मुझे बैंड्स में वर्क करना है, प्रोफाइल्स में वर्क करना है, स्टेशंस में वर्क करना है तो आप इजीली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि एक और जो मेरे पास यहाँ पे सरफेस बना, सिलेक्शन आपने किया, सिलेक्शन प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़, नाउ एडिट प्रोफाइल व्यू स्टाइल्स, ठीक है। अब इनके स्टाइल्स में जैसे मान लो मुझे ग्रिड्स में चेंजेस करने हैं, तो मैं यहाँ पे दोनों ग्रिड्स में क्या है कि वर्टिकल आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, अप्लाई मैंने किया, ओके, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इजीली पता चलेगा कि आपका सेंटर लाइन कितना क्या जनरेट होगा, ठीक है, कहाँ से आपकी जो प्रोफाइल है वो शुरू हो रही है, कितना क्या एलिवेशन है, वो डिटेल्स आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर जो है आपका इंटरसेक्शन एल हमने बनाया था, उसका क्वार्टर प्रोफाइल आप यहाँ पे इजीली चेक कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह की डिटेल्स, अब इसको 3D में कैसे चेक करना है, किस तरीके से हमें इस पर असेंबली जनरेट करनी है, ठीक है, जो विड्थ यहाँ पे दिखेगी प्लस उसकी रेंडरिंग कैसे करनी है ताकि यहाँ पे ट्रैफिक का भी मोमेंट आपको दिखे, ओके। तो ये लाइव सेक्शन में काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे बताई गई हैं और यही चीज़ें हम अगले सेशन में डिटेल्स में इनको समझेंगे, राइट। सो ये आपके पास एक पूरा तरीका होता है कि किस तरीके से आपको इंटरसेक्शन डिज़ाइन करना है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप विद हेयर द डिटेल प्रोफाइल्स, ओके, जिनमें प्रोफाइल्स के सेक्शंस यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा आप मल्टीपल सेक्शन व्यूज भी आप यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हो, ओके। सो दैट्स द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन ऑफ योर इंटरसेक्शन, जिसमें आपने देखा कि एक प्राइमरी रोड हमने यहाँ पे डिजाइन किया, एक सेकेंडरी रोड हमने डिजाइन किया, यानी कि दो अलाइनमेंट हमारे पास थे जिसमें कर्व्स भी हमने यहाँ पे रखी, कर्व की कंप्लीट टर्मिनोलॉजी वहाँ पे गिवन थी और दोनों के बिहाफ पे आपको किस तरीके से एक इंटरसेक्शन का मॉडलिंग वहाँ पे कैसे करना है, जो कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन था वो आपने देखा। अगर आप इसको 3D में देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी व्यूज़ हैं, आप कॉन्सेप्चुअल व्यूज़ में जाके और कंप्लीट उसका 3D व्यू जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपको हाइट भी वहाँ पे मेंशन होगी, कंप्लीट एलिवेशन, जिस तरीके से आप गूगल अर्थ गूगल मैप आप यूज़ करते हो तो उसमें जिस तरीके से सरफेस आपको दिखता है ठीक वैसा ही सरफेस आप यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल अगेन, थैंक यू।